हम पुरुषों की वीर ही शक्ति होती है, वीर से ही हम बलवान बनते हैं, वीर से ही हम पुरुषों की सारी शक्तियाँ होती है, वीर में इतनी शक्ति होती है जिससे हम मनुष्य की उत्पत्ति होती है। एक बार की कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक बार एक लड़का एक ब्रह्मचर्य ऋषि से पूछा, गुरुजी हम पुरुषों को कितनी बार वीर नाश करना चाहिए? तो गुरुजी ने बोला, साल में एक बार। फिर उस लड़के ने बोला, एक बार से अगर मन ना भरे तो? गुरुजी ने बोला, 6 महीने में एक बार करना चाहिए। फिर उस लड़के ने बोला, अगर 6 महीने में एक बार करने से अगर मन ना भरे तो? तो फिर गुरुजी ने बोला, महीने में एक बार। फिर उस लड़के ने बोला, अगर महीने में एक बार करने से अगर मन ना भरे तो? तो फिर उस ब्रह्मचर्य ऋषि ने बोला, अगर व्यक्ति को 1 महीने में एक बार से ज़्यादा वीर नाश अगर करता है तो उस व्यक्ति को अपनी मौत के लिए कब्र खोद लेना चाहिए, क्योंकि वीर नाश करने से हमारी शरीर की जो शारीरिक ग्रोथ होती है वह रुक जाती है, अपना स्वास्थ्य का परवाह नहीं करता है। वह व्यक्ति को मर जाना ही अच्छा होता है। वीर की महत्व को जाने और अपने वीर की रक्षा करें ताकि आपका शरीर देखने में आकर्षक लगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। वीर से ही हमारी बॉडी में ग्रोथ आती है और बॉडी का विकास भी होता है। इसीलिए वीर नाश ना करें और अपने शरीर का अवश्य ही ख्याल रखें ताकि आपकी शरीर की जो है बॉडी लेवल काफ़ी अच्छी हो सके, जिससे हमारी शरीर का शारीरिक ग्रोथ हो। ज़्यादातर लोग प्रोनोग्राफी वीडियो देखते हैं, अश्लील वीडियो देखते हैं, जिससे कि उसके अंदर उत्तेजना आ जाती है और व्यक्ति को वीर नाश करने की अंदर से भावनाएं उत्पन्न होने लगती है और वह व्यक्ति अपना वीर नाश कर देता है। वीर ही हमारी शक्ति है, वीर ही हम पुरुषों की सारी शक्तियाँ है। वीर के बिना कोई भी व्यक्ति पुरुष नहीं रह सकता है। वीर में ही पुरुषों की सारी शक्तियाँ होती है, सारी उसमें शक्ति होती है जिससे हम सारा कार्य को करते हैं। इसीलिए वीर नाश कभी भी ना करें और ब्रह्मचर्य की जीवन जिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके 1 लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।